क्या आप जानते हैं कि आसमान में उड़ने वाले विमानों पर कैसे नजर रखी जाती है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत में दूध उबालकर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि ट्रक के पीछे यूज डिपर एट नाइट क्यों लिखा होता है? और क्या आपको पता है कि इंसान को सुबह और रात में से किस समय नहाना चाहिए? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, अगर आप उन लोगों में से हैं जो मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं तो यकीन माने आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होगी। दरअसल हरी मिर्च में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को मजबूती देते हैं, जबकि इससे शरीर को इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना हरी मिर्च खाते हैं उनका हार्ट ज्यादा बेहतर ढंग से काम करता है और उन्हें स्ट्रोक और गर्मी का दौरा पड़ने का खतरा भी कम रहता है। हालांकि लाल मिर्च या फिर पाउडर मिर्च को ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है। इस तरह की मिर्च सीने और पेट में जलन की वजह बनती है, जबकि इससे पाइल्स होने का खतरा भी बना रहता है। फैक्ट नंबर टू, भारत में सुबह उठकर नहाने की परंपरा का पालन किया जाता है, जबकि चीन, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में लोग रात के समय नहाना पसंद करते हैं। दरअसल इन देशों में लोग सदियों से रात के समय सोने से पहले नहाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से दिन भर में शरीर में लगी सारी गंदगी दूर हो जाती है। ये लोग रात के समय 1 से 2 घंटे तक नहाते हैं, जिससे उन्हें शरीर को अच्छी तरह से साफ करने में हेल्प मिलती है। वहीं सुबह के समय ऑफिस और कॉलेज जाने की जल्दीबाजी होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से नहा नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग रात के समय नहाते हैं और सुबह सिर्फ मुंह धोकर अपने काम पर निकल जाते हैं, जबकि दिन भर धूल मिट्टी और पसीने में रहने के बाद रात को आराम से अपनी बॉडी को साफ करते हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की माने तो दिन के बजाय रात को नहाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे शरीर पर दिन भर जमने वाली गंदगी को साफ करने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर थ्री, भारत की सड़कों पर रोजाना कई ट्रक चलते हैं, जिनमें से ज्यादातर ट्रकों के पीछे यूज डिपर एट नाइट लिखा होता है। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस टैगलाइन को जागरूकता अभियान के तहत ट्रक के पीछे लिखा जाता है। दरअसल भारतीय सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने 1 दशक पहले टाटा मोटर्स के साथ मिलकर इस जागरूकता अभियान को शुरू किया था, जिसके तहत ट्रक ड्राइवर्स को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारियों के प्रति सतर्क किया जाता है। इस टैग में इस्तेमाल होने वाला डिपर शब्द असल में एक कॉन्डोम ब्रांड है, जिसके तहत ट्रक ड्राइवर्स को संबंध बनाते वक्त कॉन्डोम का यूज करने का संदेश दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर कई दिनों या हफ्तों तक अपने परिवार और पत्नी से दूर रहते हैं, जबकि उस दौरान वो असुरक्षित यौन संबंध बनाने की वजह से STD और एड्स जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इस जागरूकता अभियान की वजह से ट्रक ड्राइवर्स में इस तरह की बीमारियों में कमी देखी गई थी, जबकि टाटा मोटर्स के ज्यादातर ट्रकों में इस टैगलाइन को आज भी लिखा जाता है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये टैगलाइन ट्रक ड्राइवर को रात के समय डिपर यानी फ्लैशलाइट देने के मकसद से लिखी जाती है, ताकि एक्सीडेंट के मामलों में कमी आ सके। फैक्ट नंबर फोर, विदेशों में दूध जैसे पेय पदार्थ को ठंडा पिया जाता है, जबकि भारत में दूध को इस्तेमाल करने से पहले उसे उबाला जाता है। दरअसल दूध को उबालने से उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दूध गर्म होने पर उसमें मौजूद प्रोटीन के कण एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर रहते हैं और इससे दूध में प्रोटीन की मात्रा बनी रहती है। वहीं अगर दूध को ठंडा ही फ्रिज में रख दिया जाए या फिर उसे गर्म ना किया जाए तो प्रोटीन के कण आपस में मिक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से दूध में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और दूध एसिडिक होने लगता है। विदेशों में दूध का यूज सिर्फ पीने के लिए किया जाता है, इसलिए वहां दूध को गर्म करने का कोई चलन नहीं है। लेकिन भारत में दूध से पनीर, घी, मक्खन, दही और छाछ जैसे अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए दूध को उबालना जरूरी होता है और इससे दूध लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है। वहीं भारतीय ठंडे दूध के बजाय गर्म दूध पीना पसंद करते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए लाभदायक भी होता है। फैक्ट नंबर फाइव, दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों विमान उड़ान भरते हैं, जिनके ऊपर नेविगेशन सिस्टम के तहत नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नेविगेशन सिस्टम के काम करने के पीछे किस तकनीक का यूज किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए एयरपोर्ट का कोड अहम भूमिका निभाता है। दरअसल हर देश और शहर में एयरपोर्ट का एक कोड होता है, जो 3 शब्दों का होता है, और आमतौर पर ये कोड शहर के नाम पर ही रखा जाता है। इस कोड के जरिए ही सभी फ्लाइट्स को नेविगेट किया जाता है, जिससे उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में आसानी होती है। वहीं इन एयरपोर्ट कोड्स के जरिए यात्रियों के सामान को भी सही विमान और जगह तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये कोड ही फ्लाइट की पहचान होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।